मुंबई के कुर्ला स्थित एक मॉल में त्रिशाला पटेल द्वारा लिखी हुई और डायरेक्ट की हुई मेंटल हेल्थ इशू पर एक ड्रामा पेश किया गया, जहां पर बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, जिसमें से संदीप सोपारकर, कविता कपूर, स्माइली सूरी ऐसे तमाम खास मेहमानों ने इस ड्रामा को देखा और इसे सराहा। तो आइए सुनते हैं इस डांस और ड्रामा एक्ट को देख कर इन लोगों ने क्या कुछ कहा। डांस ड्रामा करना है तो वो मेरे पास आई सलाह के लिए। इसमें जो बीमारी को पोर्ट्रे किया गया है उसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया है और ये एक मानसिक रोग है जो केमिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है और इसमें काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया का फ़र्क मिट जाता है। इसलिए काफ़ी जो मरीज़ होते हैं उनको काल्पनिक आवाज़ें आती है, काल्पनिक दृश्य देखने मिलते हैं। जैसे आपने देखा कि जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरी लोगों को देखता है जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि उसके पास से जुड़े हुए पर वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ही गंभीर एक मानसिक बीमारी है और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये कोई किसी को ब्लैक मैजिक हो गया है, इसको नज़र लग गई है। तो बेसिकली इस बीमारी का नाम स्किज़ोफ्रेनिया है और इसकी जो जैसे प्ले में पोर्ट्रे किया गया बहुत अच्छी तरह से कि उसमें क्या तकलीफें होती है और उसका सही इलाज क्या है। उसका सही इलाज है कि मानसिक रोगी का चिकित्सक होता है, इसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट करना है, दवाई लेना है, उसे सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और देखा कि जैसे एंड में कैरेक्टर रिकवर होकर डांस करने लगता है और अच्छे से ज़िंदगी जी सकता है, तो इसी तरह इस बीमारी का इलाज अगर अच्छे से किया जाए तो ये बीमारी से बाहर आ सकता है। सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इन दिनों देखा जाता है कि जब इस तरह के कोई डिसऑर्डर होते हैं तो सोसाइटी एक अलग धारणा बना लेती है और कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ चलने लगती है और जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। देखिए, जहाँ पे नॉलेज नहीं है, जहाँ पे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ अंधविश्वास पैदा होता है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी की तरह, जैसे शारीरिक बीमारी डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, लोग बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट करते और डॉक्टर के पास जाके इलाज करते, वैसे ही मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी की जैसे ही है। और इसीलिए आपको जल्द से जल्द कोई भी परेशानी हो या अपना घर के कोई भी व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास या मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसिलर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इस प्रॉब्लम का हल निकाल के जानकारी के डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ये अंधविश्वास जो कम करके एक अवेयरनेस की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह के जो एफर्ट्स हो रहे हैं, जैसे ये मैडम का शो है, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा इस बीमारी और मानसिक बीमारी के बारे में आगे के लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे जो प्ले है, थोड़ा सा जी, जो प्ले है ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपके माइंड में है वगैरह, वो मुन्ना भाई तो नहीं देखिए? नहीं, मेरे सपने में आया और मैंने सोचा कि ऐसा मुझे करना है। और मैं पहले तो एक्टर हूँ और हर एक्टर में एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो होती है और हर एक्टर अलग अलग व्यक्तियों के थ्रू ही पोर्ट्रे करता है जो अपनी ज़िंदगी होती है, अलग अलग ज़िंदगी। वो ऐसे ही आइडिया आ गया और जब मैं लिखने लगी, मैं लिखते गई और ये आइडिया ऐसे मक्खन जैसे निकल गया। और जो हेल्प किया मुझे डॉक्टर मोहित ने, मुझे सिर्फ जो भी जैसे कौन सी मेडिसिन लेते हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट होता है लोगों पे, अपने आप पे, अगर मैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है, ये सब समझने में उन्होंने बहुत मदद की। और उसके अलावा संदीप सोपारकर जी ने जो डांस के मीडियम से थ्रू मुझे हेल्प किया, वो उसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। जी, हमारी मैडम जो है वो जैसा कैरेक्टर दिखा ना आपने वैसी ही है, तो हमको पूरा उन्होंने पागल कर दिया था, पागल हो गए थे। आई वुड से पागल, बट आई वुड से वी हैड लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज शी इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर एंड उन्होंने जबरदस्ती करके, जैसे मैं डांस क्लास में लोगों को सिखाता हूँ, ऐसे जबरदस्ती करके हमें सिखाया है। बट आई वॉन्ट टू थैंक यू मैडम, बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट सो वंडरफुल एंड डॉक्टर थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल एडवाइस यू गिव अस, बिकॉज किस तरह से फैमिली लोग रिएक्ट करते हैं अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुख दुख होता है, खुशी भी होती है जब वो कुछ नई चीज़ें देखते हैं उनके कैरेक्टर्स में। और आई थिंक वो सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स लाना बहुत मुश्किल था एंड द गाइडेंस ऑल बिकॉज ऑफ फॉर दीपिट। उन्होंने मुझे तब कहा था कि मैं कोई डांस बनाना चाहूँगी, मैंने कहा ठीक है बनाइएगा देखेंगे, मुझे पता नहीं था सच में लेने की बात और वो आ गई थी मुझे बात करने के लिए। आई वॉज नॉट श्योर कि स्टेज पर डांस करना और स्टेज पर एक्टिंग करना दो अलग बातें होती हैं और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। एंड
कॉन्फिडेंस था इनको, इनका मैं करवा लूंगी, मैंने देखिए करवा लो, अगर आपको लगा स्टेज शो से पहले कि नहीं हो सकता है तो मुझे बोलना चले जाओ, मैं घर चला जाऊंगा। तो आई एम श्योर समवेयर उन्होंने देखा कि आई कुड डू इट, एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी विद फुल कॉन्फिडेंस। आई कुड बिलीव इन मायसेल्फ, सो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। संदीप कितने बेस्ट निकले, डांसिंग में या सिंगिंग में? Dancing and acting, they are very different fields. So I would say he's actually becoming better and better. And today the confidence I saw, I just told him, क्या confidence से किया उन्होंने? I mean, mic चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है. Sir went on with the dance and everything. And Mithun is also with sir, the a student. Yeah. कैसा रहा experience? बहुत अच्छा रहा experience. जब उन्होंने मुझे बताया कि साइकेट्रिस्ट का रोल प्ले करना है, जो डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर साहब का रोल प्ले करना है, तब मैंने बोला ओ बाप रे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा लुक वैसा है। तो फिर मैंने काफ़ी स्टडी की स्पेशली कृष्णा मैम के साथ, और मेरे कज़िन जो यूके में है वो भी साइकेट्रिस्ट है, मैंने उनसे भी फ़ोन पर बात की वगैरह, और उन्होंने मुझे बताया कि यू नो ऐसे ऐसे वैसे तो कर लेगा। और थैंक्स टू कृष्णा मैम, एक्चुअली उन्होंने क्या है कि हमें इतना इतना हार्डवर्क कराया उस पर कि सर्टन कैरेक्टर आप ऐसे नहीं कर सकते इस तरीके से, तो जो भी क्रेडिट है वो उनको जाता है। और ऑब्वियसली डॉक्टर साहब जो जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे वो उन्होंने डायलॉग्स के अंदर एग्जैक्टली उसी तरीके से यूज़ करना था, अब वो टर्म्स हमारे लिए नए थे तो हम लोग हमें बायहार्ट करना था, उसे समझना था, तो वो सब समझ के बायहार्ट करके हम लोगों ने कोशिश तो की। एंड संदीप सर ऑब्वियसली है तो डांसिंग तो रहना ही है, तो इसमें मेरा डांसिंग कम था लेकिन फिर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और कोई भी डॉक्टर या पिता कंप्लीट नहीं होता विदाउट अ पेशेंट एंड अ चाइल्ड, या सो प्लीज आप हमारी बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनसे मिलिएगा। तो कैन आई प्लीज हैव एवरी ऑल द बच्चा शशांक एना एंड जया, आप इनसे पूछिए देवर टेल यू ऑल अबाउट हाउ डिफिकल्ट वाज, जिन्होंने हमें बहुत तंग किया है। मेरी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया, मेरी बेटी ने भी मेरी बेटी जी की बहुत तंग किया, बात करेगा इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी'd लाइक टू कृष्णा पटेल का हम थैंक यू उनको बोलना चाहेंगे बिकॉज नए आर्टिस्ट को उन्होंने मौका दिया है। सो ऑल ऑफ अस बेसिकली न्यू आई हैव वर्क्ड विद हर बिफोर, तो इनको माय फर्स्ट प्ले इज हर फर्स्ट प्ले, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ब्रिलियंट, लाइक आई यूजुअली डोंट लाइक म्यूजिकल्स बट दिस इज समथिंग ऑन अनदर लेवल, एवरी टाइम आई परफॉर्म दिस आई हैव सो मच। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने सिर्फ नाटक नहीं किया, जैसे उन्होंने बोला ये म्यूजिकल है, we sang, we danced, we performed basically, so I think it's a very special thing. Anna ka your film, right? Yes. Gurgaon will be released. Film ke bare mein kuch batao. Oh god. Switch. Okay, so I've done a movie, a movie hai Gurgaon, it's directed by Shankar Raman and it's in theaters from yesterday, so please go and watch it whoever is there, have time. And another movie is a Yash Raj movie which is called Caddy Band and it's releasing on 25th August. It's also a very special film. I'm taking all of my people to watch it and I hope people will enjoy it. And this is Ankita. Ankita, introduce yourself. Mommy! Hi, my name is Ankita Dulawar. मैं एक्टर नहीं हूँ ये मेरा या आई एम नॉट लाइंग, मैं बॉलरूम डांसर हूँ एंड ये पहली बार है जो मैं स्टेज पे एज एन एक्टर उतरी हूँ। सो जब कृष्णा मैम ने मुझे पूछा कि विल यू एक्ट, सो आई वाज लाइक आपको मुझे जितना नचाना है जो कराना है आप बिंदास करा लो, एक्टिंग मैम गॉड ब्लेस यू। एंड शी वाज लाइक she's been teaching, I've been learning, everybody's been teaching actually and they have been very helpful. Bahut zyada help kiya hai mujhe right from my major confusion was Jannat aur Jannat aur neend mein bhi koi dikhta tha mujhe Jannat Jannat and I hope I've done justice to that. You really bahut jaldi pick up kar liya lekin humse abhi 15 show ke baad bhi dancing mein thoda aap kya rehta hai hamara dancing. So very nice experience and thank you. Thank you. We have more shows in September. Please come. Yes, sir, please. Please come and watch. Please come and watch.